प्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं है आज के देश में। हम लोग गाली सुनने के लिए मुखिया बने हुए हैं, आम जनता के बीच जाते हैं, उनका गाली सुनते हैं, घर वापस आते हैं। नल जल समस्याओं को लेकर मुफ्त में अब फंस गया है वार्ड सदस्य। गौर से आप इस खबर को आप देख सकते हैं। अब मुखिया और वार्ड की दोनों के लग गई है वार्ड, क्योंकि जो कार्य के पैसे पहले आ जाया करता था अब वही पैसा पर लग गई है रोक। अब योजनाओं को लोड कराने के बाद, कार्य संपूर्ण कराने के बाद अब आएंगे मुखिया जी के खाते में पैसे, तब होंगे वार्ड सदस्य के पास पैसे। आइए आपको पूरी जानकारी अवगत कराते हैं सुपी प्रखंड के कोठियारा पंचायत के वार्ड सदस्य। यहाँ का समस्या है, हम लोग सरकार के मैसेज पहुँचाना चाहते हैं सुपी प्रखंड से, कोठियारा पंचायत से उप मुखिया पति संजय पासवान हम हो गए। यहाँ का समस्या है, जैसे में नल का जल सरकार दिए लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके क्रम में जो भगदड़ हो रहा है, कुछ बिगड़ जा रहा है, उसको बनाने के लिए पैसा नहीं दे रहा है और वार्ड सदस्य को गुमराह किया जा रहा है, मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। इसलिए वार्ड सदस्य के लिए जो पैसा पहले भी आया हुआ था 48,000 रुपया, 36,000 रुपया प्रत्येक मुखिया के द्वारा आपके खाते में आया होगा, उससे जो है कि हम लोग पाइप बिछवाए, उसके बाद में नल जल चालू करवा दिए, सब चालू हो गया। चालू होने के बाद में अब फिर बीच में जो भंगड़ जा रहा है कुछ दिन के बाद, जैसे कि मोटर जो है कि जल गया और किसी का टोटी खराब हो गया, तो सरकार पैसा नहीं दे रहा है कि हम लोग जो है उस स्थिति में जो है कि वो लोग को चालू करके और बना करके दे। फिल्मी डायलॉग आपने सुना होगा, अब क्या होगा तेरा कालिया, इसी प्रकार से फंस गए हैं अब वार्ड सदस्य। तो आप जिला अधिकारी से क्या कहना चाहते हैं? जिला अधिकारी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस बातों पर ध्यान देते हुए हमारे जो है कि जो उचित जो है कि मांग है उनको पूरा किया जाए। क्या क्या मांग है आपको जिला अधिकारी? हमारा मांग है, अभी फर्स्ट में कुछ लोग पिछले बार भी हम वार्ड सदस्य थे और पिछले बार से लेकर अब की बार तक स्वच्छता अभियान के तहत जो है कि शौचालय का जो है कि अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ लोग पैसा जो है कि मतलब शौचालय बना करके सरकार द्वारा कहा गया कि सभी लोगों को पैसा पेमेंट किया जाएगा, लेकिन पिछले बार जो है कि 5 साल बीत गई, अब की बार भी 5 साल बीतने वाला है लेकिन शौचालय का पैसा पेमेंट अभी तक कोई लाभार्थी को नहीं हुआ है।